नमस्कार, स्वागत है आप सबका। यह है बीबीसी दुनिया और मैं हूं नेहा भटनागर। सीरिया में हिंसा रोकने के लिए जिनीवा में बातचीत जारी। पिछले 10 दिनों में अलेप्पो में लड़ाई में 250 लोगों की मौत। पाकिस्तान में एक सिख ने दर्ज करवाई ईशनिंदा के FIR। ट्रांसपोर्ट कंपनी के एक कर्मचारी पर पगड़ी उछालने का आरोप। उत्तर कोरिया में बदलाव के बावजूद बाहरी दुनिया को ठीक से नहीं समझते आम लोग। बाकी दुनिया से कटे रहने वाले देश से बीबीसी की खास रिपोर्ट। जीका वायरस से बच्चों में केवल छोटा सिर होने की बीमारी ही नहीं, और भी कई न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होने का खतरा। और कई साल पुराना राज हुआ फाश। ऑस्ट्रेलिया के व्यवसायी क्रेग राइट ने कहा वही हैं बिटकॉइंस वर्चुअल करेंसी के जनक। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। सीरिया में शांति की कोशिश के लिए जिनीवा में वार्ताएं हो रही हैं। इसमें हिस्सा ले रहे अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा है कि सीरिया में 5 साल से जारी लड़ाई कई तरह से काबू से बाहर है और इस हालात के लिए सरकार और विपक्ष दोनों जिम्मेदार हैं। हाल के दिनों में सीरिया के सबसे बड़े शहर अलेप्पो में छिड़ी लड़ाई पिछले 3 दिनों से चल रही इन वार्ताओं पर हावी रही है। सीरिया में छिड़े गृहयुद्ध को रोकने की कोशिश में आज जिनेवा में दूसरे दिन भी वार्ताएं जारी रहीं। इस बीच अलेप्पो में हमले आंशिक युद्धविराम के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। सऊदी अरब ने ताज़ा हिंसा की कड़ी आलोचना की है। अलेप्पो में जो कुछ हो रहा है वो मानवीय कानूनों का उल्लंघन है। असद की सेना महिलाओं और बच्चों की हत्या के लिए जिम्मेदार है। असद ने 4 लाख लोगों को मारा है और लाखों को बेघर किया है। उनका सीरिया में कोई भविष्य नहीं है। अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा है कि जिनेवा वार्ताएं सीरिया में ताज़ा हिंसा रोकने की ओर बढ़ रही हैं। कल भी बातचीत हुई, आज भी। हम एक दूसरे की बात समझने के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी कुछ और मेहनत करना जरूरी है। पिछले 10 दिनों में अलेप्पो में 250 लोगों की मौत हुई है। अलेप्पो की हिंसा पूरे सीरिया में शांति प्रयासों की कामयाबी की दिशा तय करती दिख रही है। और अब एक नजर डिजिटल दुनिया की हलचल पर। ब्रिटानी कंपनी रैकेट बेनकाइजर ने पहली बार माना है कि उन्होंने ऐसा ह्यूमिडिफायर डिसइंफेक्टेंट बेचा था जिससे दक्षिण कोरिया में कई लोगों की मौत हो गई थी। 2011 में दक्षिण कोरिया में अधिकारियों ने ह्यूमिडिफायर को स्टेरिलाइज करने के लिए इस्तेमाल किए गए रसायन और फेफड़ों की परेशानी के बीच संबंध की बात की थी। 5 साल पहले 2 मई को पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकी सेना ने गुप्त अभियान में चरमपंथी संगठन अलकायदा के नेता ओसामा बिन लादेन को मार दिया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA इस मौके पर लाइव ट्वीट कर रही है मानो यह अभियान आज हो रहा हो। अमेरिका के मोस्ट वांटेड शख्स को पकड़ने के लिए बनाए गए मिशन और खुफिया जानकारी को साझा करती ट्वीट्स की जमकर निंदा हो रही है। हिमालय में एक ग्लेशियर में 16 साल से बर्फ में दबे पड़े 2 अमेरिकी पर्वतारोहियों के शव मिले हैं। जाने माने पर्वतारोही एलेक्स लो और उनके कैमरामैन डेविड ब्रिजेस हिमालय में भूस्खलन की चपेट में आ गए थे। ये दोनों 1999 में तिब्बत में शिशपांगमा चोटी पर चढ़ रहे थे जब ये हादसा हुआ। पाकिस्तान में एक सिख शख्स ने पुलिस में ईशनिंदा की शिकायत दर्ज की है। महेंद्र पाल सिंह ने कहा है कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के कर्मचारी ने उनकी पगड़ी उतारकर उसे जमीन पर फेंक दिया। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के किसी व्यक्ति की ओर से ईशनिंदा के कम ही मामले दर्ज किए जाते हैं। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर चीचा वतनी में तोहीन मजहब का एक मुकदमा दर्ज करवाया गया, लेकिन अहम बात यह है कि यह मुकदमा अकलियती बरादरी सिख मजहब से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स महेंद्र पाल की जानब से 6 मुसलमानों के खिलाफ दर्ज करवाया गया है। BBC से गुफ्तगू करते हुए महेंद्र पाल ने बताया कि सफ़र के दौरान उनकी 6 मुसलमानों से तल्ख कलामी हो गई। इस दौरान उनकी पगड़ी जो है वो ज़मीन पर गिर गई। महेंद्र पाल कहते हैं कि ये पगड़ी सिख मजहब के रूहानी पेशवा गुरु नानक की निशानी है और इसका ज़मीन पर गिरना तौहीन के मुतरादिफ़ है। जब हमने पुलिस से बात की तो उन्होंने तस्दीक की कि उन्होंने ये मुकदमा दर्ज कर लिया है और 6 में से 5 मुसलमान जो हैं वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं, जिन्हें कल मकामी अदालत में पेश किया जाएगा और इम्कान है कि उसके बाद उन्हें जेल भिजवा दिया जाएगा।
उत्तर कोरिया में कई दशकों बाद वर्कर्स पार्टी कांग्रेस के अधिवेशन की तैयारी हो रही है। समझा जाता है कि इसके जरिए उत्तर कोरिया पर वहां के सुप्रीम लीडर किम जोंग की पकड़ और मजबूत होगी। उत्तर कोरिया एक बहुत कटाकटा और रहस्यमय देश रहा है जहां पत्रकार बमुश्किल पहुंच पाते हैं, पर पार्टी कांग्रेस के मौके पर बीबीसी के पत्रकार रूपर्ट विंगफील्ड हेस को वहां की राजधानी प्योंगयांग जाने का मौका मिला। मई दिवस के दिन तफरीह करते बच्चे और नौजवान, ये उत्तर कोरिया के रसूखदार घरों के बच्चे हैं, पर वे भी बाकी दुनिया से बेहद कटे हैं। इस लड़के से ये पूछने पर कि क्या वो विदेशी लोगों से मिलता है, उसने कहा वो पहली बार किसी विदेशी से मिल रहा है। जहां बड़े घरों के बच्चे खेलने में व्यस्त हैं, आम घरों के बच्चे पिछले कई दशकों में होने वाले सबसे बड़े राजनीतिक शो के अभ्यास में जुटे हैं। ताइवान का राष्ट्रीय खेल ताइक्वांडो, उत्तर कोरिया अपनी छवि ऐसी ही बनाना चाहता है, निडर अजेय। लेकिन जब इस युवती से पूछा गया कि वो दूसरे देशों के बारे में, अमेरिका के बारे में क्या सोचती है, तो वो खामोश रही। पर ऐसे में जब आसपास लोग हर बात पर नजर रखे हों, उसकी खामोशी की वजह समझने में दिक्कत नहीं होती। खुद को कठोर दिखाने की भरपूर कोशिश के बावजूद उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जिसे बाहरी दुनिया से डर लगता है। और आज बीबीसी शॉर्ट्स में देखिए, टोक्यो के पार्क में निकली तलवारें, स्मार्टफोन वालों के लिए नए ट्रैफिक सिग्नल और बत्तख को बचाने पहुंची फायर ब्रिगेड। हाथों में तलवार थामे ये लोग किसी युद्ध के लिए नहीं बल्कि एक खेल चंबारा खेलने के लिए जा रहे हैं। टोक्यो में नरम स्पॉन्ज की तलवार से खेले जाने वाला यह खेल काफी पॉपुलर हो रहा है और इस खेल को हर उम्र के लोग बड़े उत्साह से खेल सकते हैं। आजकल सड़कों पर कई लोग अपने स्मार्टफोन पर नजर गड़ाए घूमते नजर आते हैं। ट्रैफिक सिग्नल पार करते वक्त ये व्यवहार जानलेवा साबित हो सकता है। जर्मनी के ऑक्सबर्ग में ऐसे लोगों के लिए क्रॉसिंग पर ट्रैफिक सिग्नल जमीन पर ही लगा दिए गए हैं। ब्रिटेन की एक नाली में फंसी इस बतख के बच्चे को एक फायर ब्रिगेड ने बचाया। नाली के जंगले में फंसे इस बच्चे को एक राहगीर ने देखा और बचाव सेवा के कर्मचारियों को सतर्क कर दिया। बतख की जान बचाकर उसे वापस पास के एक तालाब में छोड़ दिया गया। मच्छरों से फैलने वाला जीका वायरस पहले जितना सोचा जा रहा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। माना जाता है कि बच्चों में सिर छोटा होने की बीमारी माइक्रोसेफली जीका वायरस से होती है, पर अब वैज्ञानिकों का कहना है कि कई न्यूरोलॉजिकल यानी नसों से जुड़ी बीमारियों की वजह भी जीका ही है। जीका से ब्राजील में अब तक माइक्रोसेफली के कोई 1200 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें जन्म के समय से ही बच्चों का सिर असामान्य रूप से छोटा होता है। पर अब डॉक्टरों ने बीबीसी को बताया है कि खतरा केवल माइक्रोसेफेली का ही नहीं है, जीका संक्रमित महिलाओं के बच्चों को न्यूरोलॉजिकल यानी नसों से जुड़ी और कई बीमारियां हो सकती हैं। ऐसी महिलाएं जो जीका से संक्रमित हैं, उनके बच्चों को माइक्रोसेफेली होने का खतरा 1% होता है, लेकिन उन्हें नसों से जुड़ी दूसरी बीमारियां होने का खतरा 20% तक हो सकता है। ब्राजील के कुछ हिस्सों में जीका संक्रमण की गति धीमी हुई है, पर अब ये दक्षिणी ब्राजील में नए इलाकों में फैल रहा है, जिसमें रियो डी जेनेरो भी शामिल है। खास तौर से गरीब इलाकों में संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। डिजिटल करेंसी सिस्टम बिटकॉइन के पीछे किसका दिमाग है, ये बात अब तक एक राज ही रही है, लेकिन अब एक ऑस्ट्रेलियाई व्यवसायी ने पहली बार दावा किया है कि वो बिटकॉइन के जनक है। क्रेग राइट के दावे ने कई सालों के रहस्य से पर्दा उठाया है। ऑस्ट्रेलियाई व्यवसायी क्रेग राइट ने दावा किया है कि वो वर्चुअल करेंसी कंपनी बिटकॉइन के जनक हैं। सालों से बिटकॉइन के कंसेप्ट को रूप देने का श्रेय सतोशी नाकामोतो नाम के एक व्यक्ति को जाता रहा है। राइट का कहना है कि वो ही नाकामोतो हैं। कुछ लोग यकीन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सच तो ये है कि मुझे परवाह नहीं। राइट ने ये भी दावा किया कि बिटकॉइन के पहले ट्रांजैक्शन के लिए 2009 में जिन सिक्कों का इस्तेमाल हुआ था वो उनके पास हैं। उन्होंने इसके तकनीकी प्रमाण भी दिए। खुद को नाकामोती कहलाना मैंने तय नहीं किया, मेरी टीम ने किया था। मेरा स्टाफ चाहता था कि उनके निजता को अहमियत दी जाए। नाकामोतो ने अपनी असल पहचान के बारे में बीबीसी समेत 3 प्रमुख मीडिया संस्थानों को बताया। बिटकॉइन समुदाय के अहम सदस्यों और मूल डेवलपमेंट टीम ने भी राइट के दावों को सही बताया है। बीबीसी दुनिया का आज का सफर यहीं खत्म होता है। दुनिया भर में हर पर बदलती खबरों पर हमारी पैनी नजर रहती है। देश और दुनिया की एक्सक्लूसिव खबरों के साथ हम कल फिर इसी वक्त यानी 9:20 पर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।